फायदा तो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है भैया, क्योंकि इसकी 70-80 हजार की बैटरी आती है। इतनी हम पेट्रोल फूंक देते हैं वो 100-200 करके, फायदा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये रोज रोज आपको रोज रोज डालाना पड़ेगा, और फिर उनकी सर्विस सब कुछ, 3 साल तक इसमें एक पैसा खर्च नहीं करना, केवल किस्त देनी है। दोस्तों सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लिए आपके लिए ओनर रिव्यू एथर का। सर से जानेंगे उन्होंने ये कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के एथर ही क्यों ली, उनको कितने की पड़ी, क्या रेंज देती है, क्या चार्जिंग टाइम लगता है इसको चार्ज होने में। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए निकली हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें और ओनर से पूछ सकें, क्योंकि ओनर ही है जो बता सकते हैं कि सच में गाड़ी कैसी है। बाकी दोस्तों वीडियो एंजॉय करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू दोस्तों। भैया नमस्कार। तो भैया कब लिया आपने ये थ्री? कल शाम को ही लिया। कल शाम को ही लिए? तो कल शाम से अभी तक कितने चला दी? चला दी करीबन, अभी तो कम ही चलाई होगी आपने, 103 चला भी थी कल शाम से अभी तक। 43 उन्होंने चला रखी है, 43 चला रखी थी, 43 चला रखी थी पहले ही। तो आपने इसके ऊपर नहीं किया भैया नई गाड़ी है चला के कैसे दी? वो एजेंसी से आई थी ना। वो एजेंसी से आई थी। तो भैया ये आपको पड़ कितने की गई है इधर? वैसे तो ऑन रोड 56-200 की है। हाँ हाँ। और वैसे तो ये 2 के समथिंग में पड़ेगी, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है ना, तो 2 के आसपास की पड़ जाएगी। तो आपने इसके साथ और कोई कॉम्पिटिटर ट्राई नहीं करे इसके, जैसे S1 Pro आती है ओला की? वो अच्छी नहीं लगी मेरे को, देखने में अच्छी नहीं लगी, चलाने की बात अलग है। चलाने की बात अलग है, तो आपको उसका लुक पसंद नहीं आया इसलिए आपने इथर की तरफ गए हैं। उसके साथ साथ आपने इसको भी चार्ज तो खैर हुई नहीं होगी गाड़ी, चार्ज कर भी थी? कितनी देर में चार्ज हो गई फुल? मालूम नहीं, तो सो गया था। सो गए थे लेकिन तो, 5 घंटे कुछ टाइम बताते हैं, 5 घंटे चार्जिंग टाइम है इसका। अभी आप इसकी टॉप स्पीड कितनी? 11 बजे लगाई थी, 3 बजे मेरी आँख खुली थी, मेरे को फुल मिली। फुल मिली तो मतलब 4-5 घंटे के आसपास हो जाती होगी। इसमें 40% बैटरी भी थी। 40% थी हाँ। तो आपने इसका भी टॉप स्पीड कितनी चला के देखी गाड़ी की? तो 95 चला के देख ली, तो इससे ऊपर भी जाती है कि 95 तक ही जाती है? ये अभी चेक नहीं किया, अभी ये चेक नहीं किया है। बाकी इसका जो रेंज आपको क्या लगता है कितना होगा? उन्होंने 35 से 40 दिए, 146 हाँ, और एक इनकी आती है 20 हजार महंगी, उसमें मोड है 4 हाँ। इसमें मोड नहीं है, इसमें मोड नहीं है। तो ये मतलब जैसे एक चार्ज पे कितनी चल जाती होगी? जैसे इसमें वाप मोड है उनका सबसे बेस्ट हाँ हाँ, तो वो बताते हैं अगर खूब भगाएंगे खूब हाँ। भगाएंगे 70 फिर भी चल जाएगी, 70 चल जाएगी। और जो मतलब सबसे लोअर मोड होगा जिसमें पावर कम होगी वो कितनी चल जाएगी? उसमें वो बताते हैं, मैंने ट्राई तो किया नहीं है हाँ। लेकिन 146 बताते हैं, 146 तो मतलब भी आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद सही सही बता पाएंगे गाड़ी कितनी चल जाएगी। बाकी इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब कैसी लगी एकदम से, कैसे बैटरी के लिए अलग ही सेगमेंट हो गया? आई हाँ, तभी मेरे को पसंद आ गई, तभी पसंद आ गई। तो मतलब आपने बैटरी वाली तो एक अलग चीज होगी, जैसे पेट्रोल की चलती है, R15 भी है हाँ हाँ, पर बस स्कूटी लेनी थी क्योंकि बच्चे इस पे, हम 5 जने हैं, 2 आगे आ जाते हैं 3 हाँ। पीछे आ जाते हैं, और स्कूटी मैंने कभी चलाई ही नहीं है, स्कूटी चलाई नहीं। तो स्कूटी जैसे पेट्रोल वाली आती है, एक नया ही फील्ड हो गया ना जैसे पेट्रोल से सीधा बैटरी के लिए, तो आपने कैसे एकदम से स्विच किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बस वही है, देखो रन ज्यादा है क्या? फायदा तो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है भैया, क्योंकि इसकी 70-80 हजार की बैटरी आती है, इतनी हम पेट्रोल फूंक देते हैं वो 100-200 करके, फायदा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये रोज रोज आपको रोज रोज का डालाना पड़ेगा, एक साथ में इंसान दे सकता है, बार बार देने में थोड़ा लोड पड़ता है, वही चीज हो जाती है। तो इसीलिए आपने ईवी लिया, आपका रन मतलब ज्यादा नहीं है? नहीं, सिर्फ ईवी इसलिए है कि हाँ, ज्यादा नहीं, 50-60 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर डेली का, अभी ठीक ठाक रन है आपका। तो इससे आपको क्या लगता है कितने रुपए पड़ जाएगा आपका हिसाब किताब? ऐसे पेट्रोल से तो डेली आपको कम से कम, स्प्लेंडर भी लेते हैं पेट्रोल, लेकिन स्प्लेंडर 1 लाख की है ना, 1 लाख की आ रही है स्प्लेंडर भी, कैश में 91,500 की है ठीक है, और वो फिर 97,000 तक है जैसे लेते हैं कैश में, और अगर लोन पे लें तो 1,20-1,25 तक की उनका टॉप मॉडल पड़ जाता है, और वो 4-5 महीने के बाद 30-34 सर्विस पे एवरेज देती है हाँ।
वो भी है मेरे पास, वो मैंने बेच दी थी, लेकिन 50-55 से ज्यादा कोई एवरेज नहीं देती, 50-55 से ज्यादा कोई एवरेज नहीं देती। और फिर उनकी सर्विस सब कुछ, 3 साल तक इसमें एक पैसा खर्च नहीं करना, केवल किस्त देनी है, किस्त देनी है बस। इसमें मतलब मेंटेनेंस ऐसा कुछ है ही नहीं, वो खुद करेंगे, खुद करेंगे। हाँ। तो ये आपको ले जाने वर्कशॉप है इसका आसपास कहीं की? हाँ, यहीं पे है, गौर सिटी में है, गौर सिटी बड़ा है। फिर यहाँ पे आपका, मैं बिसरा का रहता हूँ वेस्ट में, स्टेलर के पास ही है मेरे घर। और उसके बाद फिर मेरे यहाँ से 10-12 किलोमीटर होगा या 15 किलोमीटर सेक्टर 62 में, सेक्टर 62 में इनका पूरा। बाकी इसका सस्पेंशन कैसा लगा आपको गाड़ी का? धचके वचके में अच्छे से है गाड़ी? 112 किलो की है, 112 किलो की है, तो मतलब हवा से इतनी जल्दी हिलने वाली नहीं, नहीं हिलती नहीं है। स्कूटी है देखो, छोटे टायर है, बड़े गड्ढे में तो टायर फंसेगा ही फंसेगा ही फंसेगा। हाँ, वो तो पेट्रोल का फंसेगा, इसका फंसेगा नहीं, सबका ही पेट्रोल। स्कूटी तो कोई भी हो तो उसमें सब में ही दिक्कत आई इस चीज की, तो बाइक होती है, स्कूटी होती है। अभी तक का, कल से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस गाड़ी का? मस्त रहा, मतलब संतुष्ट है लेके? जिस दिन ये आई थी उसी दिन संतुष्ट था, कोरोना के टाइम, कोरोना के आसपास आई थी। हाँ हाँ, 2018-19 में ही आई थी। 19 में आई थी? हाँ, 19 में आई थी शायद। तो आपने बुक पहले से करवा रखी होगी? नहीं, बुक नहीं करवा रखी, नहीं करवाई थी। इसमें कुछ वेटिंग तो नहीं है? नहीं, कोई वेटिंग नहीं, वेटिंग नहीं है, जाओ ले लो, पैसा हो ले लो। तो आपने ब्लैक कलर लिया इसका? जी, 6 कलर है इसमें, 6 कलर हैं। तो आपको ब्लैक पसंद आया इसका सबसे ज्यादा? सारी मेरी बाइक सब चीज ब्लैक है, सारी ब्लैक ही है, कार भी ब्लैक है। एक बार इसके लुक आगे से देख लेते हैं। और इसका आप एक फीचर बता रहे थे कि अगर हम जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर होता है उस तरीके का बता रहे थे, वो हैंडल मोड पे वो अपने आप सही हो जाता है, मतलब कि इंडिकेटर देते हैं जैसे गाड़ियों में, इससे महंगी है ना, उसमें इससे भी ज्यादा, 20,000 महंगी है वो, इससे भी ज्यादा फीचर है उसमें। हाँ, ये चीज बताई थी ना कि जैसे गाड़ियों में होता है हम सीधे चल रहे थे, अगर इंडिकेटर दो, स्टीयरिंग सीधी कर दो तो इंडिकेटर ऑफ हो जाता है, मोड है, तो वो अपना बंद हो जाता है, तो वैसे इंडिकेटर इसमें भी ऑफ हो जाता है। हाँ, एल टाइप मोड है तो। हाँ, ये भी काफी अच्छा फीचर है इसमें, एक गाड़ी वाला फीचर दोस्तों, देखिए ईवी में आने लगा है। बाकी इसमें और कौन से फीचर्स आपने अभी तक देखे हैं गाड़ी में जो यूनिक? चलाई मैंने, वो भी टेस्ट ड्राइव ली है उसकी, ओला S1 Pro की, S1 Pro नहीं, इसी का जो टॉप मॉडल है, इसी का जो टॉप मॉडल है एक्स, ये एथर 450X है, वो प्रो है, प्रो उसमें क्या है, 20,000 महंगी है वो, 176 की है, उसमें बैटरी बड़ी होगी, बैटरी बड़ी होगी उसकी? नहीं, बैटरी कुछ बड़ी नहीं है, फीचर्स हैं, फीचर्स ज्यादा है उसमें। ऐसा कुछ नया जो फीचर आप बता रहे हैं क्या उसमें है? मैप है, कंपनी सिम दे रही है, वो क्या है, सिम वही जो फोन में चलाते हैं, ऐप ऐप चल सकती है वो है, वो आपका वो भी बताएगी, चार्जिंग स्टेशन, और चार मोड है, चार मोड ढेर समझ लो उनको। बस यही है। इसमें कौन कौन से मोड्स हैं? इसमें कोई नहीं डायरेक्ट, इसमें आप जैसे बता रहे थे ना कि टॉप मोड पे चलाए तो रेंज कम देती है, टॉप ही है, तो इसमें सिर्फ एक ही रेंज होता है। ओके, बाकी इसकी गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी है, लाइट की? लाइट बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।